ये नहीं चल रही आपको बिल्कुल सही खबर मिली है कि मेरी फिल्म निलबटे सन्नाटा को चाइना में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. मुझे बहुत खुशी है और बहुत गर्व है. और मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी फिल्म है. अश्विनी अय्यर तिवारी जो निर्देशक हैं इसकी, बहुत प्यार से उन्होंने बनाई है. और ये फिल्म जल्दी रिलीज़ हो रही है इंडिया में और आप सब देखें. सॉरी, हाँ मैं दोनों के लिए एक्साइटेड हूँ. नवंबर में प्रेम रतन धन पायो आ रही है और निलबटे सन्नाटा फरवरी या मार्च में रिलीज़ होगी. तो मैं ये निलबटे सन्नाटा के लिए एक्साइटेड होंगी. प्रेम रतन धन पायो एक फैमिली ड्रामा है. एक सिबलिंग राइवलरी पर आधारित फिल्म है. भाई बहनों की कहानी और उनके क्लेश. और मैं सलमान सर की छोटी बहन का किरदार कर रही हूँ. बहुत ही आला लिखा गया है वो किरदार. बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं और मुझे काफ़ी स्कोप मिला अच्छे अच्छे सीन्स थे करने के लिए. और सलमान सर के साथ ज़्यादातर मेरे सीन्स थे तो बहुत मज़ा आया. एंड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा प्रेम रतन धन पायो, बिकॉज सूरज सर और राजश्री प्रोडक्शंस जैसी फिल्में बनाते हैं वो असल में ऐसे ही हैं. आई नो ये क्लीशे लगता है ऐसे बोलना, बट मैंने इतने अच्छे लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे. और मुझे लगता है कि वो इतने, मतलब मैं सूरज सर को कहती हूँ सर आप इतने अच्छे हो कि मैं खुद को काफ़ी ख़राब और दुष्ट महसूस करती हूँ. सो हाँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. यार सलमान खान है वो, जो भी पहनेंगे अच्छे ही लगेंगे. बहुत ही अच्छे लगे, बहुत बेहतरीन और बहुत सब कुछ अच्छा है फिल्म के बारे में. एंड आई डेफिनेटली वांट टू से कि जो डीओपी हैं मणिकंदन सर, वो उनकी एक ख़ास बात है कि वो किसी चीज़ को भी खूबसूरत बना सकते हैं. मैंने उनके साथ एक स्प्राइट का ऐड किया था जहाँ मैं वायलेंट टीचर प्ले किया था और मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले थे उस ऐड के लिए कि अरे वाह क्या अच्छी लग रही हो. तो मैं तो बड़ी खुश थी कि मनी सर ने शूट किया ये फिल्म. एंड नितिन सर ने आर्ट डायरेक्शन किया, नितिन चंद्रकांत देसाई. तो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन. हिमेश सर का म्यूज़िक है और सारी टीम्स ने ब्रिलियंट ब्रिलियंट जॉब किया है. बहुत ही बेहतरीन कोरियोग्राफी, शबीना खान एक बहुत ही टैलेंटेड कोरियोग्राफर है. तो सब कुछ कमाल है इस फिल्म के बारे में. डेफिनेटली बड़ा अच्छा रहा. मैं बहुत ही अपने आप को अगेन खुशकिस्मत और लकी महसूस करती हूँ कि तनुवर्ज मनु रिटर्न जितनी बड़ी हिट थी, रंजना इतनी बड़ी हिट है, प्रेम रतन धन पायो आई एम श्योर एक बहुत बड़ी हिट होगी. आप सब ये फैला दें मीडिया में कि स्वराज जिस फिल्म में होती है वो हिट हो जाती है, तो मेरे लिए अच्छा होगा. नो बट आई एम डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड. एंड आई थिंक हिट फिल्में बट अच्छी फिल्में भी हैं, वो ज़रूरी है कि आई थिंक एक एक्टर के लिए कि आप अपने बॉडी ऑफ वर्क से शर्मिंदा ना महसूस करें, ये बड़ा ज़रूरी रहता है. एंड आई थिंक मैं अपने काम के बारे में ये ज़रूर कह सकती हूँ दैट आई एम प्राउड ऑफ ऑल माय फिल्म्स. थैंक यू. नहीं मतलब शशि कपूर जी के सामने मैं इतना छोटा हूँ कि मैं उनकी तारीफ करते भी नहीं बनता. बहुत
कुछ उनकी वजह से हम लोग आज जिस तरह का सिनेमा बनाते हैं और हिम्मत होती है एक अलग तरह के सिनेमा बनाने की, वो कुछ प्रोत्साहन उन्हीं की हिम्मत से मिलता है हमें। और इतना जो डिजर्विंग अवार्ड जो है वो कैंडिडेट है, मुझे नहीं लगता कि जितना उनके बारे में कहा जाए या जितना भी उनको सराहा जाए, जितने भी अवार्ड दिए जाएँ, वो कम है। क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने न्यौछावर की है सिनेमा के नाम। बहुत बहुत मेरा उनसे तो क्या कहूँ, हमेशा सर झुकता है उनके सामने करें। जागरण जो है, मैं थोड़ा सा लखनऊ का हूँ, जब किसी का अंग हो जाता हूँ तो फिर अपनी तारीफ करना लखनऊ बदतमीजी समझते हैं, तो अब अपनी तारीफ कर रहा हूँ कि फेस्टिवल बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छा है। छोटे छोटे शहरों में जाता है, वहाँ बच्चे जो हैं वो अलग तरह का सिनेमा देखते हैं, उनको जो कुछ भी हम थोड़ा सा सीखे हैं कुछ गलत सलत कुछ सही उनको बताते हैं, वो कुछ उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। और वो बहुत, देखिए क्या होगा कि जागरण जैसा फेस्टिवल जो और अलग तरह का सिनेमा वहाँ जाएगा तो वहाँ से उन शहरों से लखनऊ इंदौर कानपुर आगरा यहाँ से फिल्म मेकर निकलेगा जिसको मुमकिन हो जाएगा। तो आज जो टेक्नोलॉजी है और नेट और वेब की वजह से बाकी सब उसके पास उपलब्ध है और वो वहीं बैठ के एक सिनेमा बनाएगा और वो सिनेमा शायद दुनिया को चौंकाएगा भी। तो मेरे ख्याल से जो नई टेक्नोलॉजी और ये सब इन फेस्टिवल्स का जो मिश्रण है ये बहुत प्रोत्साहन देगा वहाँ के टैलेंट को, और ये बहुत खूबसूरत बात है और बहुत कम लोगों ने किया है और जितनी इसकी सराहना की जाए उतना कम है। सुधीर जी, एक आखिरी सवाल, सिनेमा को आप अच्छी तरह समझते हैं तो हिंदी सिनेमा के मेले में भारतीय सभ्यता खूब बोला जा रहा है? नहीं, वो भारतीय सभ्यता क्या, देखिए हम लोग फिल्म मेकर्स हैं। कई लोग कहेंगे कि हम भारतीय फिल्म मेकर हैं, मैं कहूँगा कि मैं फिल्म मेकर हूँ जो भारतीय है ना। तो भारत का जो की परिभाषा है वो अलग अलग जगह है, अलग अलग एक ही इलाके में एक ही यूपी से 50 तरीके के लोग आएंगे, मेरी सभ्यता दूसरी है, किसी और की दूसरी है, लखनऊ से ही, मैं कहीं और पैदा हुआ हूँ, वो कहीं और हुआ है, हमारी कुछ इन्फ्लुएंसेस अलग हैं। तो भारतीयता का एक डेफिनेशन नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत एक्साइटिंग है सिनेमा इस वक्त, क्योंकि छोटे शहरों से आप देखिए जो बड़े डायरेक्टर्स हैं आज जो कर रहे, राजकुमार हिरानी हुए, इम्तियाज़ अली हुए, अनुराग कश्यप हुए, विशाल भारद्वाज हुए, तिग्मांशु धुलिया हुए, ये जो सब लोग हैं, राजू हिरानी वगैरह, ये सब जो हैं वो छोटे शहरों से आए, हिंदुस्तान से अवगत, उनकी ज़िंदगी से उनका जुड़ाव, उस तरह के लोग अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त इंडियन सिनेमा बहुत अच्छे पड़ाव पर और बहुत अच्छी सिचुएशन है उसकी, और बहुत अच्छे डायरेक्टर, मराठी सिनेमा बहुत अच्छा बन रहा है और देखना चाहिए बाकी लोगों को भी। और ये जागरण की वजह से एक अच्छा अच्छी मराठी फिल्म भी एक यूपी के बच्चे को देखने को मिलती है, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत, मुझे तो बहुत होप है आज के सिनेमा के।